आपने एक ऐसे सांसद को देखा है जो आपके प्रति समर्पित रही हैं, जिन्होंने लगातार आपकी समस्याओं को समझने और उनको सुलझाने का काम किया है। दूसरी तरफ 5 सालों से आपने भाजपा की केंद्र में और प्रदेश में सरकार देखी है, इसका भी आपको अच्छी तरह से अनुभव हो चुका है। जब 5 सालों पहले आपके सामने प्रचार करने के लिए ये आए थे, आपने अपने सांसदीय क्षेत्र में पिछले 15 सालों से आपको हुआ है, आपने एक ऐसे सांसद को देखा है जो आपके प्रति समर्पित रही हैं, जिन्होंने लगातार आपकी समस्याओं को समझने और उनको सुलझाने का काम किया है। दूसरी तरफ 5 सालों से आपने भाजपा की केंद्र में और प्रदेश में सरकार देखी है, इसका भी आपको अच्छी तरह से अनुभव हो चुका है। जब 5 सालों पहले आपके सामने प्रचार करने के लिए ये आए थे, तो आपसे बड़ी बड़ी चीजें कही गई थी। भाजपा ने बहुत भारी प्रचार किया था और बहुत सारे वचन किए थे। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल आपके लिए पैदा करेंगे। उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए आपके खातों में जाएंगे। उन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे। उन्होंने ये भी कहा था, जैसे अशोक सिंह जी ने कहा, कि अच्छे दिन आने वाले थे। सच्चाई क्या है? 5 साल गुजर गए हैं। एक सच्चाई है जिसको आप जी रहे हैं। इनके झूठे और खोखले वचनों को आपने खुद अपनी आंखों से, अपने जीवन से देखा है। आपने देखा है कि किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई, कम से कम आधी हो चुकी है। कि किसान के उपज को का दाम नहीं मिलता, बीज खाद समय पे नहीं मिलते, कर्ज में डूब रहा है किसान। उसको मदद करने के लिए, उसकी सहायता के लिए सरकार कुछ नहीं करती। आपने यह भी देखा कि पिछले 5 सालों में खास तौर से उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या आई, और वो कि आपको पूरी रात अपनी खेतों में बैठना पड़ता है और आवारा पशुओं से अपनी खेतों की चौकीदारी करनी पड़ती है। पिछले 5 सालों में इनके प्रचार में इन्होंने यह भी कहा कि ये देश के चौकीदार हैं, देश को सुरक्षित रखेंगे। राष्ट्रवाद की बात की, लेकिन इससे बड़ा कौन सा राष्ट्रवाद हो सकता है कि देश के किसान को सुरक्षित रखें, कि देश के किसानों के खेत सुरक्षित रखें। कम से कम वो तो करके दिखा देते। आज देश की स्थिति ये है कि तमाम नौजवान बेरोजगार हैं। जो 2 करोड़ रोजगार इन्होंने बताए थे वो पैदा नहीं किए, उल्टा 50 लाख रोजगार घटे हैं इनके शासन में। 50 लाख रोजगार इन्होंने नोटबंदी द्वारा घटाए। उस नोटबंदी के समय आपको बताया गया था कि आप कतार में खड़े हो जाइए। आप बहुत बड़ी देशभक्ति कर रहे थे कि आपकी देशभक्ति से काला धन देश में वापस आएगा, लेकिन काला धन 1 रुपया वापस नहीं आया। आप कतार में खड़े रहे। क्या आपने किसी अमीर को कतार में खड़े हुए देखा? क्या आपने भाजपा के किसी नेता को कतार में खड़े हुए देखा? क्या आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है कि जो आपकी किसान की बीमा है, जो हर महीने आपसे ली जाती है, किसके जेब में जाती है? आपके किसान बीमा जिससे हर महीने आपसे पैसे लिए जाते हैं, वो प्रधानमंत्री जी के उद्योगपति मित्रों के जेब में जाती है। 10,000 करोड़ रुपए का फायदा आपके किसान बीमा से उनको हुआ है। और जब आप पर आपत्ति आती है, आपके खेतों का नुकसान होता है, तो आपको 1 पैसा नहीं मिलता। यह है आज की सरकार, मौजूदा सरकार, यह है उसकी राजनीति। जब कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, तो इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में इसके लिए पैसे नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकारें आई राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में,
सरकारों को के बनने के तीन दिन बाद, तीन दिन के अंदर अंदर राहुल जी की घोषणा पर राहुल जी ने किसानों के कर्ज माफ कराए, तीन दिन के अंदर अंदर। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि एक योजना निकालेंगे जिसको कहते हैं न्याय की योजना। न्याय योजना द्वारा 72,000 रुपए सालाना हर गरीब परिवार को दिए जाएंगे सरकार द्वारा। महीने में आपको 6,000 रुपए मिलेंगे जिससे कम से कम आप गरीबी की दलदल में से निकल पाएंगे, कम से कम आपकी ये उम्मीद हो पाएगी कि उसमें से आप आगे बढ़े। जब ये घोषणा हुई तो भाजपा के नेताओं ने फिर से वही बात कही कि अर्थव्यवस्था में इसके लिए पैसे नहीं है। तो राहुल जी ने एक प्रश्न उठाया, उन्होंने कहा अगर आपके पास, देश के पास किसानों और गरीबों के लिए पैसे नहीं है तो जरा बताइए कि पिछले 5 सालों में 550,000 करोड़ रुपए आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज कैसे माफ किए? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। और क्योंकि जो जनता सवाल उठाती है, जो विपक्षी दल सवाल उठाते हैं, उनका कोई जवाब नहीं है, इसीलिए चुनाव के समय, प्रचार करने के समय आपके सामने फिजूल की बातें उठाई जाती हैं। आपके सामने ऐसी बातें उठाई जाती हैं जिससे आपका कोई मतलब नहीं, जिससे ये नहीं बताया जाता आपको कि किसान को मजबूत कैसे बनाया जाएगा, कि इस देश के नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, कि इस देश की महिलाओं को सुरक्षित कैसे बनाएंगे, कि आपके बच्चों के भविष्य को मजबूत कैसे बनाएंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप बहुत जागरूक बन जाएं, आप इनकी घोषणाएं, इनके प्रचार को अच्छी तरह से समझिए और इनकी असलियत, इनकी राजनीति को भी अच्छी तरह से समझिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने नए घोषणा पत्र में बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिससे आपका फायदा होगा। इस घोषणा पत्र को आप बारीकी से पढ़िए और समझिए। इसमें लिखा गया है कि 12वीं तक सरकारी पाठशालाओं में शिक्षा मुफ्त की मिलेगी, कि अस्पतालों में स्वास्थ्य की जांच और स्वास्थ्य का इलाज मुफ्त होगा। इसमें लिखा है कि 30% सांसद में महिलाओं के लिए आरक्षण होगा, कि जितना पैसा सरकार शिक्षा पर खर्चती है उसका दुगना खर्चा जाएगा ताकि आपके बच्चों का भविष्य मजबूत बने। किसानों के लिए एक अलग बजट बनाई जाएगी, किसानों की मंडियां बनेंगी। किसानों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगी। इसमें यह भी लिखा है कि देश को मजबूत करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं इस अलग बजट में जो खास किसानों के लिए बनेगी। उसमें हर साल आपको बताया जाएगा कि आपके लिए क्या क्या करा जाएगा और जो पैसे आपके लिए सरकार अलग से रख रही है उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा। इस तरह की योजनाएं तमाम इस घोषणा पत्र में हैं। नौजवानों के लिए, उनके रोजगार के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। सबसे पहले कि 10 लाख ग्रामीण स्तर पर रोजगार बनाए जाएंगे। मनरेगा, जिसको भाजपा की सरकार ने पूरी तरह से दुर्बल बनाया है, उसको सबल बनाया जाएगा। जो 100 दिन का मनरेगा था उसको 150 दिन का बनाया जाएगा। जो आज मजदूरी के आपको पैसे नहीं मिलते, आपको साल भर के लिए इंतजार करना पड़ता है, वो सिलसिला बंद होगा। कि मजदूरी के लिए मनरेगा बनाया गया था, आज भाजपा के सरकार में जो मजदूरी से काम होने चाहिए वो जेसीबी द्वारा, ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे हैं, यह सिलसिला भी बंद किया जाएगा और मनरेगा को मजबूत बनाया जाएगा। इस सरकार ने 5 सालों में 24 लाख नौकरियां खाली छोड़ी हैं, सरकारी रोजगार। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि एक साल के अंदर अंदर 2020 के मार्च के महीने तक पूरी 24,000 नौकरियां भरी जाएंगी। तो ये सब कांग्रेस की घोषणाएं हैं। और जहां तक रायबरेली क्षेत्र की बातें हैं, आप जानते ही हैं कि रायबरेली में कितना काम किया गया है। आप
यही सड़क जिस पे हम आए हैं, इससे बड़ी बड़ी हाईवे, छह छह हाईवे यहाँ से गुजर रही हैं, तमाम उद्योग खोले गए हैं, रेल कोच की फैक्ट्री जिसके लिए सोनिया जी ने खुद संघर्ष किया, लेकिन बहुत काम अभी भी अधूरे हैं। और इस सरकार की नियत ये है कि तमाम कार्य जो सोनिया जी ने शुरू कराए वे आज अधूरे पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें रुकवाया है। चाहे एम्स का अस्पताल हो जिससे आप सबकी स्वास्थ्य के लिए बहुत सुविधा होती, वह आज सिर्फ ओपीडी के माध्यम से चल रहा है, उसकी इमारत भी नहीं बनी। तमाम ओवरब्रिज सड़कें अभी भी अधूरी हैं। तो बहुत ऐसे कार्य हैं जो केंद्र सरकार द्वारा होते हैं जो इन्होंने जानबूझ के रोके हैं। इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि केंद्र में हमारी सरकार आए। तो जब आप कांग्रेस पार्टी को और सोनिया जी को मजबूत बनाएंगे, उन्हें शक्ति देंगे, तो आप जनता को शक्ति दे रहे हैं, अपने आप को शक्ति दे रहे हैं, आप अपने क्षेत्र को, अपने भविष्य को शक्ति दे रहे हैं। तो 6 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे तो मेरी बातों को मन में जरूर रखिए और सोनिया जी को भारी से भारी बहुमत से जिताइए, ताकि ये अधूरे काम भी पूरे हो और आपके प्रति जो समर्पण और प्रेम की भावना उनके दिल में है और आपके दिल में उनके प्रति है, वो भावना बरकरार रहे। और हम आपके लिए हमेशा ही समर्पित रहेंगे, समर्पित हैं और रहेंगे, और ये सब बातें आप अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, आखिरी बात, आपके जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, इनके बारे में मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक बात कहूंगी कि कांग्रेस में होते थे कुछ समय पहले, और जब कांग्रेस में होते थे तो मेरे पैर पड़ के कहते थे कि दीदी आप मेरी बहन हो, जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ूंगा और कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही समय बाद भाजपा में शामिल हुए, उसके बाद अब हाल में मेरी माता जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जो अपनी पार्टी, अपने नेता और अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित नहीं रहता, निष्ठावान नहीं रहता, वो जनता के प्रति कभी निष्ठावान नहीं रह सकता। तो सब सच्चाई आपके सामने है, आपको अनुभव है, आप में बहुत विवेक है, मैं जानती हूँ, पूरी आशा रखती हूँ कि आप सोनिया जी को भारी से भारी बहुमत से जिताएंगे और अपने क्षेत्र की विकास का सिलसिला बरकरार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।